लेगा निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा जो पूरे बिहार में 3800 जिला में, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में और झारखंड के कुछ जिला, तकरीबन 80 जिला को हमने चिन्हित किया है। 80 जिला में हमारा यात्रा निकलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम हमारे सभी मीडिया के सभी बंधु भाई से को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आज हमारे बुलाने पे आए हैं। खास करके गरीब पिछड़ा ऐसे समाज को, जिस समाज को लोग नोटिस नहीं लेना चाहते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं हैं, ऐसे समाज को आवाज़ को घर घर गांव गांव लोगों तक पहुंचाने के काम आप हमेशा करते आए हैं, इसके लिए विशेष धन्यवाद देता हूं आपको। और आज हम जिस मुकाम पे हैं, यहां पे अगर हमारे अगर सबसे ज़्यादा किसी साथी ने सहयोग किया है तो आप लोगों का भरपूर सहयोग मिला, इसके लिए विशेष तौर पर धन्यवाद। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि काफ़ी समय से, तकरीबन 5-6 महीना से मैं आप लोगों से काफ़ी दूर रहा और अपने काम में मैं लगा रहा, और बीच में बहुत बड़ा लंबा गैप हो गया है और आप लोगों से नहीं मिल पाए, लेकिन इसलिए आज हम लोगों ने विशेष आप पे को आग्रह किया कि आप लोग आए। कार्यक्रम जो भी है कि 25 तारीख परसों 25 जुलाई को पटना में कृष्ण मेमोरियल हॉल में वीरांगना फूलन देवी जी का शहादत दिवस हम लोग मनाएंगे, बड़े पैमाने पे कार्यक्रम किया जाएगा। और उसी रोज से हमारा एक यात्रा निकलेगा, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा जो पूरे बिहार में 3800 जिला में, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में और झारखंड के कुछ जिला, तकरीबन 80 जिला को हमने चिन्हित किया है। 80 जिला में हमारा यात्रा निकलेगी और 100 दिन का ये यात्रा होगा। 25 जुलाई से यात्रा निकलेगी और 4 नवंबर तक लगातार पूरे बिहार में, यूपी में, झारखंड में, तीनों राज्य में हम लोग अपने अपने लोगों के बीच में जाएंगे, अपने आने वाला पीढ़ी के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अपनी पार्टी कैसे मजबूत हो उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और संकल्पित कराएंगे। और हर घर घर संकल्प अभियान भी चलेगा, जिस जिला में हम जाएंगे उस जिला में कार्यक्रम होगा, उसके अलावा हमें जाने के बाद पुनः उस जिला में हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, हर एक एक पदाधिकारी हर एक एक गाँव में जाएंगे, हर घर घर में घूमेंगे, अपनी बात को रखेंगे, अपनी पार्टी के विचार को रखेंगे और हर घर में संकल्प कराया जाएगा कि आप किसके साथ हैं, आप अपने आने वाला पीढ़ी के साथ हैं, आप आने वाले बच्चे के भविष्य के साथ हैं, आप अपने पार्टी के साथ हैं, तो आप संकल्प लीजिए कि आने वाले समय में VIP पार्टी जो भी निर्णय लेगा उस निर्णय के साथ आपको खड़ा रहना है। तो इसको लेके हम लोग आने वाले समय में चलेंगे और मजबूती से तीनों राज्य में हम लोग काम करेंगे। और आप सभी को पता है कि 2024 का चुनाव है और चुनाव तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से, कोई आज स्पष्ट ना कह दे कि हम कल सरकार बना रहे हैं। तो निश्चित तौर पे और हम लोगों का मांग है कि निषाद को आरक्षण मिले। बंगाल में, दिल्ली में निषाद को आरक्षण है, बिहार में या उत्तर प्रदेश झारखंड में नहीं है आरक्षण। तो इसमें हम लोगों ने एक स्लोगन के साथ चलेंगे, बिहार, उत्तर झारखंड, उत्तर प्रदेश में निषादों ने ललकारा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, इस नारा के साथ हम लोग पूरे बिहार में, उत्तर प्रदेश और झारखंड में घूमेंगे और मजबूती से काम करेंगे। कुछ आप लोगों को कुछ आप इंडिया के साथ हैं या एनडीए के साथ, अभी क्या स्थिति? अभी हम किन्हीं के साथ नहीं हैं, अभी हम अपनी पार्टी के साथ हैं, निषाद समाज के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मुंबई को छोड़कर बिहार आए तो राजनीति करने का उद्देश्य मैं नहीं आया था, मैं इस समाज को, जो समाज हजारों साल से परेशान है, इस समाज के चेहरे पे कैसे खुशी आए उनके लिए मैं काम करने के लिए आया था। निषाद विकास संघ के द्वारा पिछले 5 साल तक लगातार बिहार में हमने काम किया, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि पॉलिटिकल पावर चाहिए तभी कुछ हो सकता है, और उसके बाद हमने 2018 में पार्टी बनाया और पार्टी बनाने के बाद आपने देखा 2020 में लड़ाई लड़कर हमने सरकार भी बनाया, हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। हम अगर समर्थन नहीं देते उस समय तो बिहार में शायद 2020 में सरकार नहीं बनता, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से हमारे साथ लोगों ने गलत किया। एक गरीब पिछड़ा समाज का बेटा अपने पैर पे खड़ा होने का कोशिश किया और तो आपने देखा कि किस तरीके से ऐसे विचारधारा वाले लोग जो कुचलने का काम किया और हमें सरकार से बाहर कर दिया, हमें उस गठबंधन से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। तो ये तमाम हमने सारे चीज़ें किया और वहाँ पे हमें किस तरीके से लोगों ने परेशान किया, ये आप सभी को जानकारी में है। तो आप सभी को जानकारी में है, तो अभी हम किसी किन्हीं के साथ नहीं है,
हम वीआईपी पार्टी के साथ है, निषाद समाज को आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आरक्षण जो दे देंगे हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ रहने का, और आरक्षण देंगे तो जो बोलेंगे वो हम मानने के लिए तैयार होंगे, आरक्षण नहीं देंगे तो गठबंधन बिल्कुल ही नहीं होगा। आगे का रणनीति फिर हम 4 नवंबर के बाद पार्टी का स्थापना दिवस मना के फिर आने वाले समय में निर्णय लेंगे कि राजनीति और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है।